मैं अपनी तरफ से अपने सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे अभी दुष्यंत जी ने बताया, मैं बड़भागी हूँ पूज्य चौधरी देवीलाल जी के साथ 1975 में रोहतक की जेल में मैं रहा। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। 1987 में 77 में मैं विधानसभा का चुनाव हार गया था, राव दिलीप सिंह जी जीते थे। पर चौधरी देवीलाल ने कोई संकल्प कर रखा था कि जब महेंद्रगढ़ जिले में जाऊं तो पहले रामविलास के घर रोटी खाऊं। 14/10/1978 को राठीवास में ढाणी में आदरणीय चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री महोदय 3.5 घंटा अपने घर पर रहे और उस दिन दूलो ठहीर के स्कूल का अपग्रेड किया। वसई से लेके सेड़न तक की सड़क उस समय उन्होंने अनाउंस किया। खेड़ी तलवाना के स्कूल का अपग्रेडेशन किया और आज मेरा जीत हरियाणा सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला मेरे पास है। मेरे एक टेलीफोन के निमंत्रण पर वो यहाँ आए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले 4 सवाल एक बार स्टेट लेवल के ले लेते हैं, फिर महेंद्रगढ़ की एक छोटी सी। जिस काम के लिए आए वो शुरू कर। जी जी, एक महेंद्रगढ़ शहर की पिछले 2 दशकों की मांग, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2003 में अनाउंस करी, आज वो पूरी हो गई कि जिस जेल में चौधरी देवीलाल जी रहे उसके साथ लगती भी जमीन पर लगभग 5 से 6 एकड़ के बीच चौधरी देवीलाल जी के याद में एक कमेटी का रेजोल्यूशन उस समय का पारित हो उसके पार्क बनाया जाएगा। मुझे लगता है शहर के तमाम नागरिकों इस पार्क का लाभ भी मिलेगा। शहर के अंदर टूरिज्म का जो स्पॉट है, उस जेल को टूरिज्म विभाग के सहयोग से बना रहे हैं, उसमें डेवलप करके आगे हिस्टोरिकल स्पॉट बनाने लेकर जाएंगे। टूरिज्म को भी अब हम और स्पीडिफाई करेंगे, वो अपना जेल का जो रिमॉडलिंग का काम है उसको जल्दी करें और अगले 5 से 6 महीने में इस पार्क के वक्स को भी पूरी तौर पर कंप्लीट करके शहर के लिए पूरी तौर पर समर्पित करने का काम करें। सर, जिस प्रकार से 148 बी की बात आपने कही थी, 148 बी का टेंडर हो चुका है, लेकिन नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे उसको स्टेट ने ही टेंडर इशू कर दिया है। 290 और 300 करोड़ के बीच में लागत से ये नेशनल हाईवे बने, टेंडर प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है, तो जो अलॉटमेंट प्रोसेस है उसकी और है। और मैं मानता हूँ अगले 11 महीने में रायमलिकपुर से नारनौर, महेंद्रगढ़ से दादरी, तो ये हमारा पैच है, ये पूरा हम दुरुस्त भी करेंगे और फोन लेंगे। दूसरा 7A की अगर बात की जाए तो 7A की क्या कार्रवाई अभी तक की गई है? 2010 से 2016 तक इंक्वायरी की जो मांग की तो उसका पत्र आप भेजेंगे तमाम DCs और कमिश्नर्स को, वो 10 से लेके 17 तक का जो कांग्रेस चाहती है इन्वेस्टिगेट हो पी रहे उसको इन्वेस्टिगेट करके हमारे को भेजेंगे। दूसरी बात चंडीगढ़ की भी है, चंडीगढ़ का जो हिस्सा है वो 60-40 का रेशियो है, लेकिन हरियाणा की तरफ से आप क्या कहेंगे चंडीगढ़ की? आज के दिन जिस प्रकार से कई नियुक्तियों के अंदर केंद्र शासित प्रदेश के पूरे टेरिटरीज के जो लोग वो नियुक्त किए जा रहे हैं, केंद्र से हमारी निरंतर चर्चा भी चलती है। हरियाणा अपने शेयर को 40% कहीं जा रही है, बल्कि हमारी तो अगली मांग ये रहेगी कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में जहाँ फाइलिंग ऑफ केसेस जो है वो पंजाब के 45% है और हरियाणा के 55% है, आज उस 60-40 रेशो को जजों की नियुक्तियों में केंद्र सरकार 50-50 करे कि एटलीस्ट जिस स्टेट से वहाँ पर मुकदमे आ रहे हैं उस स्टेट के जुड़े जुडिशरी के ऑफिसर भी वहाँ पर बराबर। तीसरा एक सवाल, पंजाब के अंदर अभी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले दावे किए गए थे हम आपको मुफ्त में जो है बिजली देंगे,
सिंधे का फिर जो है केंद्र सरकार से डिमांड करी जा रही, क्या कहेंगे? देखिए दिल्ली में बैठ के बातें करनी बहुत आसान है, पंजाब को आज देख कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं इतना बोल सकता हूँ बहुत बड़ी बातें करेगी। छः महीने तक भगवंत मान जी पर मुझे पूरा विश्वास है, मेरे साथ सांसद भी रहे हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति भी हैं, कि वो अपनी बातों को जनता की ओर समर्पित कर पाए। अभी तो हमें इंतज़ार है कि महिलाओं को 1,000 रुपये कब मिले, अभी 35,000 लोग पक्के करने की बात कही, उसको भी देखना पड़ेगा कि रमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको ओवरकम कैसे करें। जी बातें करनी बहुत आसान होती है, इम्प्लीमेंटेशन में लाना बहुत मुश्किल। ठीक है, लगातार आंदोलन चल रहा है। मैंने स्वयं तो पार्लियामेंट में ये बात रखी भी है कि वे इस इलाके की नहीं, तमाम यदुवंशी समाज से जुड़े लोगों की एक मांग है कि अहिर रेजिमेंट बने, केंद्र को उसको मानना चाहिए। और आने वाले दिनों में मैं डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात कर रहा हूँ कि वो भी इसको लुक इन टू जल्द से जल्द करें कि सामाजिक तौर पर योगदान केवल मात्र आज आज का नहीं है। मैं तो जब अमेरिका में पढ़ाई करता था और मंगल पांडे के ऊपर मुझे एक ऐसे लिखने को मिला तो उस समय भी इतिहास पढ़ा कि अंग्रेजी हुकूमत को अगर सबसे पहली बार इस देश में किसी ने बैकफुट पर करने का काम किया तो अहिरवाल की सजा से राव तुलाराम जी ने करने का काम किया। और उस समाज का समर्पण देश के प्रति कभी बुलाया नहीं जा सकता, और केंद्र को इस चीज़ के ऊपर जरूर जल्द से जल्द। दुबई दौरे से भी सब लोग वो कह रहे हैं कि हरियाणा इन्वेस्टमेंट के लिए स्वर्ग है, आप कहेंगे? अगर 28,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट एक साल में हरियाणा में आ सकती है तो मैं मानता हूँ स्वर्ग। ये तो गोल्डन गूज है, इसको अगर संभालेंगे तो रोजगार भी लाएगी, निवेश भी लाएगी और प्रगति भी लाएगी। सर्वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अंदर एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर भारी घोटाला नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया गया। अगर कोई रिपोर्ट की कॉपी है जरूर मेरे साथ साझी करें, रिपोर्ट की उसको भी हम वेरीफाई करवाएंगे, क्योंकि गड़बड़ियाँ जहाँ भी हमारी सरकार के संज्ञान में आई है हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया, चाहे वो कोई HPSC के दफ्तर की बात हो, चाहे वो DTP या तहसील के ऑफिस की बात हो, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन या ईओ की बात हो। इस सरकार ने एक ही लक्ष्य रखा है, प्रदेश में सुशासन दे, और उसके अंदर कोई अनियमितताएं मिलती है तो अधिकारियों के ऊपर सख्त करना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला गठबंधन सरकार पर कटाव, उनको बोलिए जमीन पे करके जनता से सुने कि विकास क्या होती है। उनकी 10 जनवरी सरकार के अंदर 2-2, 5-5 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। आज के दिन तो DBT करके किसान की फसल का पैसा या किसान का मुआवजा हमारी सरकार देने का बात कर रही है। तो आज भी मेरे ख्याल से 1947 वाली टेप पर चल रहे हैं जो कांग्रेस की चलती थी। आज ही कुमारी शैलजा के द्वारा भी बयान दिया गया है कि जो ये खरीद की जा रही है इसके अंदर जमीनों की जो फरद वगैरह उसको लेकर सरकार बहाना लगा रही है। एक भी जगह अब तक हमारी 104 मंडियां खुली है, सरसों का एक दाना सरकारी खरीद पे नहीं आया। कुमारी शैलजा बता तो दे कि किसको दिक्कत आई। हमारे अधिकारी तो 10 दिनों से मंडियों में बैठे हैं इस ताक में कि किसान आए और MSP पे अपनी फसल बेच के जाए, मगर खुशी है कि 1600 से 1800 रुपये प्रीमियम पे किसान अपनी फसल बेच। ये पीछे सर ओलावृष्टि हुई थी उस मामले से आगे चल रहा है सर, गिरदावरी स्पेशल गिरदावरी हुई है, आप सब लोग चाहे